नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक को के जीवन में ये घटनाएं होकर रहेंगी और इन घटनाओं को आप चाहकर भी नहीं टाल सकते, चाहे तो आप हमसे लिख कर ले सकते हैं। मित्रों, इस दौरान भगवान श्री और विष्णु जी की कृपा आपके जीवन में होने वाली है और भगवान विष्णु जी की कृपा से ही आपके जीवन में सारी की सारी घटनाएं होने वाली हैं, जो कि तुला राशि के जातकों के सारे दुख तकलीफें समस्याएं संकट और आर्थिक तंगों को दूर करने में इन लोगों का सहयोग कर सकते हैं। और भगवान श्री और विष्णु जी की कृपा से इन लोगों के जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला है। इन लोगों को जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है और ये अपने कार्य क्षेत्र में चली आ रही किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावटें या तंगों को दूर करने में काफी ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। तो भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। आपके धन लाभ मिलने वाले हैं। आपको जीवन में किसी बड़ी और नई उपलब्धि हासिल हो सकती है तथा भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपको अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफें समस्याएं संकट और आर्थिक तंगियां चल रही है उन सबों से आपको छुटकारा मिल सकता है। धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में हो और ऑफिस में होने वाले कुछ घटनाक्रमों के कारण आपको अपनी योजनाओं में और अपने कार्यक्रमों में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मी और मित्रों की सहायता से आपके जरूरी कार्य पूरे होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरे दिनों में जल्दी ही पूरा कर सकते हैं। आपको धन लाभ हो सकता है तथा आपको कार्य क्षेत्र में कई प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आपके धन संपत्ति में आकस्मिक बढ़ोतरी होंगे। परिवार के सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगे। आप अपने शत्रुओं से निजात पा सकते हैं तथा भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपके वर्षों पुराने सपने भी पूरे होंगे। जीवन में आने वाले शुभ प्रकार के प्रसारण से आपको छुटकारा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार की स्थितियां भी आपके अनुकूल रहेंगे। आप लोगों के गरीबी के दिन भी समाप्त हो चुके हैं। आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होंगे। प्रेमी के साथ आपके गहराई बढ़ेंगे। घर का वातावरण काफी प्रफुल्लित रह सकता है। आपके जीवन में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप अपने दुख तकलीफें और समस्याओं से भी छुटकारा पा सकोगे। कार्य क्षेत्र में किया गया प्रयास भी आपके लिए काफी शुभ और काफी लाभदायक हो सकता है। आपके जीवन के उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। नौकरी पेशे वाले लोगों के समय बहुत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। आप अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आपके कार्य के सहारा हो सकती है। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। आपके सेहत भी अच्छी होंगे। प्रेम संबंध भी काफी अच्छे रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका खुशी बने रहेंगे। आप अपने अच्छे व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी होंगे। घरेलू सुख सुविधाओं में इजाफा हो सकता है। आपकी सेहत सुधार आ सकता है। घर परिवार के लोगों के साथ आप मनोरंजन कर ले कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कानूनी मामले में आपको फायदा हो सकता है। आप अपनी समस्याओं को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। आपको जीवन में कई प्रकार के नौकरी करने वालों को कहीं बाहर घूमने फिरने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आप लोगों को भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से फायदा होने वाला है। आप लोगों को धैर्य के साथ अपने कार्य को संपन्न करने की जरूरत सकती है। आप अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास लगातार अपने जीवन में कर सकोगे और आपके जीवन में आपके किस्मत का ताला खुलने वाला है। आप लोगों पर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आशीर्वाद बना रहेंगे। आपके घर परिवार में सुख शांति आएंगी। आपको भाग्य और किस्मत के बलबूते बड़ा धन लाभ हो सकता है। आप अपने आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। धन के मामले में आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आमदनी के अच्छे स्रोत मिल सकते हैं। प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिल सकता है। यदि आप परिवार के साथ कोई बात चल रहा है तो आपको उनसे छुटकारा पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहने होंगे। आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर रह सकता है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के मौके मिल सकते हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से पुराने निवेशों का अच्छा नतीजा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको लगातार सफलता हासिल होंगे। अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं और अचानक से आपको किस्मत भी पलटने वाली है। आपको महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के मौके भी प्राप्त होंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेतों से भी काफी ज्यादा अकेलेपन को दूर करने के मौके मिल सकते हैं। आप अपनी मेहनत से अपने सारे कार्य को पूरा कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए आपका समय काफी अच्छा रह सकता है। आप अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकोगे। वैवाहिक जीवन भी आपका खूबसूरत बीतने वाला है। आप अपने जीवन के तमाम पहलुओं को खुशी खुशी दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में कई प्रकार के समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को शनिदेव जी की कृपा से काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। आपको साथी के साथ समय बिताने के मौके मिल सकते हैं।
और भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से मित्रों आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होने वाले हैं और जीवन के सबसे बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने वाली है। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करने के मौके भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में किया गया परिवर्तन भी आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को इस समय व्यापारिक व्यवसाय की यात्राओं पर जाने का मौका मिलेंगे। आज के दिन किए गए सारे कार्य पूरे होंगे। काम धंधों से संबंधित कोई कार्य में व्यापारिक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, यात्राओं से भी आप लोगों को फायदे की प्राप्ति होंगे और किसी व्यापारिक व्यवसाय ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं जिसके सिलसिलों में आपको आना जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशे वाले वर्ग को भी ऑफिस के क्षेत्र में कहीं जाने का आसार बन सकते हैं और इस समय आप लोगों के घर परिवार में किसी बड़े खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और कई प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है। आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होंगे। किसी के अनजाने व्यक्ति पर भी आप ज्यादा विश्वास न करें। आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं को बनाने का प्रयास करने होंगे। मित्रों आज के दिन आप लोगों के दुश्मन जो आप लोगों के व्यापार व्यवसाय से हैं, जो आप लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप से आपको परेशान करने की कोशिश किया करते हैं, आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को डालने की कोशिश करते हैं, उन सारे के सारे लोगों को भी सजा की प्राप्ति होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के घर परिवार का वातावरण काफी खुशनुमा रहेंगे जिसके कारण भी आपका मन काफी प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में घर परिवार में व्यापार व्यवसाय के सिलसिलों में भी आप लोगों को किसी जहां यात्राओं पर जाने का मौका मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों को भी रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपने किसी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी शिक्षा को ग्रहण कर रखा है, उन शिक्षा को भी उपयोग करने का मौका मिलने वाला है। आप लोगों को अपने घर परिवार के दोनों जगह विलासिता को पूर्ण उपयोग करने की जरूरत होंगे। आप लोगों को संध्या काल के समय ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका भी प्राप्त होने वाला है। बड़ी मात्राओं में भी धन लाभ की प्राप्ति होंगे। आर्थिक स्थितियां भी अच्छी होंगे। संतान की आवश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी कर सकते हैं। आप लोगों के जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको हर कार्य में मिलेंगे। आप लोगों का कुछ कार्य भी शुभ कार्य पर खर्चा हो सकता है। आप लोगों का स्वास्थ्य भी काफी अच्छे होंगे। आपको अपने अनियमित खान पान पर बचे रहने होंगे। यदि कोई भी कष्ट है तो आप लोगों को डॉक्टरों से जरूर सलाह लेने होंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको किसी के बहकावे में आने से बचने का अवश्य प्रयास करने होंगे, नहीं तो वही आप लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। संध्या काल का समय आपको किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिलेंगे जिनसे कि आप लोगों के कुछ लोग मुलाकात तो होंगे। पड़ोसियों के साथ बात विवाद हो सकता है, उनसे पड़ोसियों से बचने की अवश्य कोशिश करें, नहीं तो कानूनी बतड़ों में आप फंस सकते हैं। मित्रों आपको अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाने का मौका मिलेंगे जिसका कि आपको लाभ भी अवश्य मिलेंगे। ससुराल पक्ष की ओर से आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद अवसरों की प्राप्ति होंगे। घर परिवार के माहौल काफी अच्छे होंगे। घर की खरीदारी को कर सकते हैं, जमीन जायदाद में बढ़ोतरी पा सकोगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को अपने माता पिता से सभी कार्यों में सहयोग की प्राप्ति होंगे। माता पिता से सहयोग लिया गया कार्य भी आप लोगों को बड़ी खुशखबरी देने वाला है। आप लोगों को पिताजी से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति होंगे। आय में वृद्धि होंगे। विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में काफी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आप लोगों के लिए समय काफी ज्यादा मध्यम रूप से फलदायी रहेंगे। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी उत्तम व्यवहारों के चलते कामकाजों में काफी वृद्धि भी देखी जा सकती है। अगर आप कपड़े व्यापारी हैं तो मित्रों कपड़े व्यापारियों को भी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति देखी जा सकती है। आप लोगों के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होंगे। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर कार्य को पूर्ण करने का विश्वास करने होंगे। परिवार के दोस्तों की सलाह भी आप लोगों के लिए आवश्यक साबित होंगे। आप अपने समय के साथ परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। सुबह सुबह आप लोगों को कोई ऐसी खुशखबरी भी प्राप्त होंगे जिनको सुनने के बाद आप काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। आपको बैंक और संस्थाओं से भी उधार के बारे में सोचने का प्रयास करने होंगे, वो भी आप लोगों को आसानी से प्राप्त होंगे। यदि आप कोई लोन लेने के इच्छुक हैं तो आपको लोन भी आसानी से प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को भी किसी न किसी
जैसी प्रतियोगिताओं में वे आवेदन करने पर सफलता की प्राप्ति होंगे। आप लोगों का निजी संबंध वे बहुत ही शानदार गुजरेंगे। प्रेम संबंधों में काफी सहयोग मिलेंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं जिनसे कि आप लोगों को अहम जानकारी की प्राप्ति होंगे। यदि आप कोई भी साझेदारी में व्यापार को चलाने का मन बना रहे हैं उसके लिए वे आप लोगों का काफी समय बहुत ही शानदार रहेंगे। कार्य क्षेत्र में वे बड़ों का सहयोग मिलेंगे। आप लोगों के कोई भी इज्जत भी प्राप्त होंगे। आप लोगों के रेपुटेशन में बढ़ोतरी होंगे। इज्जत पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी अवश्य होने वाली है। घर परिवार के पूरे सहयोगों को प्राप्त होंगे। आप लोगों को नौकरी कर रहे जातकों को भी पदोन्नति की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होंगे। आपके लिए यह समय उन्नति से भरा रहेंगे। आपके व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योजनाएं भी आ सकती हैं। आप लोगों को सारी योजनाओं से धन लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को धन के क्षेत्र में काफी बड़ी खुशखबरी को पाने का मौका मिलेंगे। पुराने कर्जों से भी आप लोगों को अवश्य छुटकारा मिल जाएंगे। आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेंगे और मित्रों यह समय परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बिताने का सबसे खास रहेंगे। आप लोगों को किसी पारिवारिक मुद्दों को हल करने का मौका मिलेंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों से सदा भी आप लोगों को मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे। आप लोगों का समय मिले जुले परिणामों की प्राप्ति करवाने वाला है। आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उन सभी कार्यों में सफलता मिलेंगे। इसलिए आपको उन्हीं कार्यों पर ज्यादा विचार करने होंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपके लिए उपयोगी हैं। आप लोगों को नौकरी क्षेत्र में अपने जीवन साथी के साथ या अपने साथियों के साथ चंगुल करने से बचने का प्रयास करने होंगे। आप लोगों को इस समय वाणी पर मधुरता बनाए रखने की जरूरत होंगे। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को बहुत ही समझता के साथ कार्य को करना होगा। माता जी के साथ कोई असमंजस स्थितियां बन सकती हैं वो भी आप लोगों के समाप्त होंगे। आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में किसी बड़े डील को फाइनल करने का मौका मिलेंगे। आप लोगों को लाभ मिलेंगे तथा परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। ननिहाल पक्ष से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होंगे। यदि आप अपने व्यापार व्यवसाय में किसी नए व्यक्ति को शामिल करना चाहते हैं उसके लिए भी आपका समय काफी अच्छे होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।